सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस की हैं लोन डिफॉल्टर्स जो कि सरफेसी एक्ट के तहत जिनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी गई हैं उस मामले में. सरफेसी एक्ट वो एक्ट है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, वो कानून जिसके तहत बैंक्स और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑक्शन कर सकते हैं कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उन लोगों की जो कि लोन डिफॉल्टर्स हैं, जो लोन पे नहीं कर पा रहे. इस सरफेसी एक्ट को लेकर एक मामला बना था कर्नाटका के हाई कोर्ट में, जिस मामले में एक रिट पिटिशन दायर हुई. जो बोरोअर थे उन्होंने, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थी उसकी, उसने जब सरफेसी प्रोसीडिंग्स उस डिफॉल्टर के खिलाफ शुरू की तो वो व्यक्ति जो है वो कर्नाटका हाईकोर्ट में चला गया. हाईकोर्ट में उन्होंने उन प्रोसीडिंग्स को चैलेंज किया और उसके बाद हाईकोर्ट ने एक इंटरिम स्टे भी दे दिया था. लेकिन जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट ने आज उस मामले में कुछ सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस की हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सरफेसी एक्ट के तहत किसी भी बोरोअर के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती है या फिर कोई एक्शन लिया जाना है किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसने लोन लिया था, लोन के अमाउंट को वापस नहीं किया, तो बोरोअर जो है उसे सरफेसी एक्ट के तहत ही रेमेडी ढूंढनी है. वो पिटिशन लेकर कोर्ट नहीं जा सकता. जो पिटिशन है वो मेंटेनेबल नहीं होगी, एंटरटेनेबल नहीं होगी. ऐसा कहा है एक जस्टिस एम आर शाह और बीवी नागरंथा के बेंच ने. और सिग्निफिकेंट इसमें यह है कि आप जानते हैं कि सरफेसी एक्ट के तहत प्रोसीडिंग्स तब शुरू होती है जब किसी भी इंडिविजुअल ने, किसी भी कंपनी ने अगर एक मेजर अमाउंट बैंक से लिया है तो वो अमाउंट पे करने में, वापस से बैंक को देने में असफल हो जाते हैं. ऐसे में जो अमाउंट उन्होंने, जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने मॉर्गेज की होती है, जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने लोन लेते समय मेंशन की होती है, उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन करने की ताकतें जो है वो फिर बैंक के पास होती है. और सरफेसी एक्ट के तहत प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने का भी प्रोसेस इस तरीके का होता है कि नोटिसेस जारी किए जाते हैं, मौके दिए जाते हैं पहले कि वो अमाउंट जो है वो बैंक का रिटर्न कर दे. अगर नहीं हो पाता उसके बाद जो है उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया जाता है. कई सारे मामलों में ये होता है. अब यहां पर ये बताया गया कि जो बोरोअर है जब वो पैसा रिटर्न नहीं कर पाता, सरफेसी एक्ट के तहत प्रोसीडिंग शुरू होती है तो वो व्यक्ति अपनी पिटिशन लेकर कोर्ट में चला जाता है और ये कहता है कि मुझे फिलहाल स्टे दे दिया जाए. ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सरफेसी एक्ट के तहत क्योंकि प्रोसीडिंग्स इशू की गई हैं तो सरफेसी एक्ट के तहत ही रेमेडी जो है वो बोरोअर को ढूंढनी है. नॉर्मल रिट पिटिशन जो है वो कोर्ट में एंटरटेनेबल नहीं होगी, मेंटेनेबल नहीं होगी. इस मामले में ये कहा गया, इस केस में हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका ने एक रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंटरटेन की और एक इंटरिम ऑर्डर पास किया जिसमें स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कह दिया विद रिगार्ड्स टू सरफेसी एक्शन. इसे चैलेंज करते हुए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची. एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का यह कहना था कि जो रिट पिटिशन फाइल की गई है इस सरफेसी एक्ट की प्रोसीडिंग्स के खिलाफ वो मेंटेनेबल नहीं है, तो हाईकोर्ट को रिट पिटिशन को एंटरटेन नहीं करना चाहिए था. जब उन्हें मेंटेन ही नहीं करना चाहिए था, उन्होंने इसकी जगह जो है इंटरिम ऑर्डर्स ग्रांट कर दिए हैं जो बोरोअर को प्रोटेक्शन देते हैं. उसके दूसरी तरफ जो बोरोअर्स था, बोरोअर का ये कहना था कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो फेयरली डील नहीं कर रही, उन्हें इस तरीके से डील करना चाहिए जिससे जो बोरोअर का भी इंटरेस्ट है वो भी सिक्योर हो, पब्लिक एट लार्ज का भी जो इंटरेस्ट है वो भी सिक्योर हो पाए. लेकिन इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस है उसमें ये कहा गया कि एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट. बैंक ने कुछ पैसा जो है वो बोरोअर को दिया है एज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट. ये कुछ पब्लिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा था बैंक, ना ही कोई पब्लिक फंक्शन जो है वो ये पैसे देकर परफॉर्म किया जा रहा था. ये केवल एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर एक ट्रांजैक्शन हुई है. अब ट्रांजैक्शन में जहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने पैसे दिए हैं तो उसके पास ये भी ताकतें हैं कि उस पैसे को वो रिकवर भी करे. और पैसों को रिकवर करने के लिए अगर नॉर्मल चैनल्स फेल हो जाते हैं तो सरफेसी एक्ट के तहत प्रोसीडिंग्स भी जो है वो शुरू की जाएंगी. ऐसे में रिट पिटिशन जो है वो मेंटेनेबल नहीं होगी. उसके साथ साथ में उन्होंने हाईकोर्ट की फंक्शनिंग को लेकर भी ये कहा कि हाईकोर्ट को ये पिटिशन जो है वो एंटरटेन करनी ही नहीं चाहिए थी, उसकी जगह उन्होंने इंटरिम ऑर्डर दे दिया. तो ये जो स्टे ग्रांट किया है हाईकोर्ट ने उसका सीरियस एडवर्स इम्पैक्ट होगा इस जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो क्रेडिटर है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर. देयरफॉर हाईकोर्ट शुड हैव बीन एक्सट्रीमली केयरफुल
and circumspect in exercising its discretion while granting stay in such matters. In these circumstances, the proceedings before the High Court deserve to be dismissed. यानी High Court में जो जहाँ पर ये stay order दिया गया उसको लेकर भी Supreme Court की काफी strict observation थी. उनका ये कहना था कि इस मामले में जहाँ पर creditor adversely impact हो रहा है, creditor की financial health adversely impact हो रही है, वहाँ पर ये writ petition maintainable ही नहीं होनी चाहिए थी कानूनों के तहत, लेकिन उन्होंने stay order कर दिया. ऐसे में जो proceedings High Court के सामने चल रही है, उन प्रोसीडिंग्स को डिसमिस कर, वो डिजर्व करती हैं कि उन्हें डिसमिस कर दिया जाए. लेकिन साफ तौर पर यही कि अब सरफेसी एक्ट के तहत कहीं पर भी अगर कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाती हैं किसी बोरोअर के खिलाफ, तो उन्हें उसकी रेमेडी ढूंढने के लिए सरफेसी एक्ट का ही सहारा लेना होगा. वो रिट पिटिशन लेकर कोर्ट नहीं जा पाएंगे.